हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक वीडियोकॉन का वॉशिंग मशीन है। इसका स्पिन नहीं चल रहा है। कस्टमर का कहना है कि थोड़ा देर चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तब इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। ये स्पिन मोटर है, लेकिन ये मोटर लोड नहीं ले रहा है। तो इसमें कैपेसिटर भी हो सकता है, मोटर भी ख़राब हो सकता है। कुछ देर चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। तो इसका मोटर को चेक करते हैं। पहले थोड़ा सा घुमा के देखते हैं मोटर घूम रहा है कि नहीं। मोटर तो फ्री है, उसका वायरिंग चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत है। मोटर चेक करने के लिए कंटिन्यूटी में डाले इसको। कंटिन्यूटी में डालने के बाद चेक किए, मोटर तो इसमें सही बता रहा है। मोटर चेक करने पे देख लें, बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। बॉडी शॉर्ट भी नहीं है, लेकिन मोटर कुछ ज़्यादा हीट हो रहा है। 1 मिनट चला है, लेकिन ये मोटर बहुत हीट हो चुका है। तो इसके जगह हम दूसरा मोटर लगा के एक चेक कर लेते हैं। चला के हमारे पास मोटर है पुराना चेक करने के लिए, उस मोटर को लगा के देखते हैं। तो मैं मोटर को चेक किया यहाँ पे। ये मोटर जैसे चलता है तो थोड़ा सा ये मोटर में लहर है, तो थोड़ा ऊपर निकल के चिपक जाते हैं मोटर। तो इसके लिए मैं बनाया हूँ एक 3 का कैपेसिटर का। ये इससे मैं दूंगा इसमें झटका, और झटका दे के चेक करता हूँ कि ये मोटर चलता है कि नहीं। अगर ये मोटर झटके से चलता है तो वो भी मोटर अपना अंदर वाला सही है, उसको भी चलना चाहिए। तो चेक करता हूँ, ये 3 का अलग से कैपेसिटर रखा हूँ, इसको इसमें कनेक्ट करके अब देखते हैं। ये चालू होगा, मोटर का साउंड आ रहा है। अब चेक करते हैं इसको झटका देके। झटका देने पे चालू हो गया ये मोटर। इसका मतलब ये है कि मोटर अपना वो भी सही है। अब उसमें कनेक्शन करके फिर झटका मैं देता हूँ 3 कैपेसिटर बढ़ा के। इसका मतलब कैपेसिटर लो है। ये मशीन बंद किया मैं, मोटर बंद हुआ, टाइमर यहाँ से चालू है। अब फिर से चालू करता हूँ, ये देखो ये मोटर सिर्फ आवाज़ कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन मोटर चल नहीं रहा है। अब इसमें जैसे ही मैं झटका दूंगा ये कैपेसिटर से, वो चालू हो जाएगा। ये देखो चालू हो गया, यानी कैपेसिटर का फॉल्ट है इसमें। ओके गाइस, तब चेक करते हैं उसको लगा के, चालू हो जाएगा 100 में 100 श्योर है। कैपेसिटर ही खराब था, मोटर अपना सही है।